तो बॉस, मेरा नाम है तपेश और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक CBSE मैथमेटिक्स। बस बुक्स रीड कर रहे हैं, बॉस चिल। ओके, हम लोग बस देख रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चीयर्स, शुरू करते हैं। तो कमिंग बैक टू रीडिंग स्क्रीन, हम आज पढ़ रहे हैं फन विथ नंबर्स, लाइक फन विथ फ्लैग्स की तरह है जो शेल्डन कूपर करता था। नहीं, वैसा नहीं है। लाइक मैं उतना इंटरेस्टिंग बंदा हूँ नहीं, मैं सिंपल सा तपिश हूँ। चलो हम फन विथ नंबर्स करते हैं। तो क्या बोलता है? आई हैव पिक 24 सीट्स। क्यों? हुर्रे, आई गॉट 47 सीट्स। सब लोग सीट्स कलेक्ट कर रहे हैं। हियर आर माई 38 सीट्स। 38? आई डोंट थिंक सुनील के पास 38 सीट्स हैं, कम लग रहे हैं। आई गॉट 54 सीट्स। आई थिंक आई हैव कलेक्टेड 42 सीट्स। कौन जीता? 54 सीट्स वाली शायद। राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा एंड सुनील विल कलेक्टिंग इमली सीट्स। इमली मतलब टैमरिन। कंप्लीटली देसी बंदी ने ये बुक बनाई होगी इस वजह से। इमली सीड्स, इमली कौन लिखता है? ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया। अब फिर कीबोर्ड अटक गया। आ जा भाई, कैसे करें? यस। तो डैश कलेक्टेड द मोस्ट सीट्स। इंदिरा, मैं लिख पाता हूँ क्या इसमें? IND यही नहीं होता, छोटे बस। ए, ये बंदी इंदिरा, शी हैज कलेक्टेड द मोस्ट सीट्स। सुनील विल कलेक्ट डैश मोर सीट्स टू बी इक्वल टू विक्की। विक्की के पास 42 सीट्स हैं। ओह, मैथमेटिक्स वगैरह वाला प्रॉब्लम आ गया। तो विक्की के पास है 42 सीट्स और सुनील के पास इनिशियली कितने हैं? अरे ओ सुनील, तुझ पे डाउट था। 38 सीट्स, तो साइड में लिखते 38। तो ये स्टोरी सम हो गया 42 माइनस 38 वाला। तो यहीं पे रफ कर लेते हैं। सुनील के पास 38 है। 38 से 42 बनने के लिए कितना लगता है? मेरे को लगता है 4, लाइक 38, 39, 40, 41, 42। तो लाइक 4 मोर सीट्स टू बी इक्वल टू विक्की। इफ राधिका गेट 6 मोर सीट्स शी विल हैव। कौन है राधिका? राधिका आपटे। शी विल हैव 30, क्योंकि 24 उसके पास ऑलरेडी है। 24 प्लस 6 आंसर है 30। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव मोर देन 40 सीट्स? हाउ मेनी मतलब नंबर देना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। विक्की के पास है 40, इंदिरा के पास है 40 प्लस, इसके पास नहीं है, गौरी के पास है, इसके पास नहीं है। तो लाइक राधिका के पास नहीं है। तो लाइक 1, 2, 3 टिक्स मिल गए, हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। डैश नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 50। किसी के पास 47 है क्या? गौरी, गौरी नीड्स GAURI, गौरी नीड्स 3 मोर सीट्स टू हैव 40, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 47 है। सुनील हैज़ 2 सीट्स लेस देन 40 एंड डैश हैज़ 2 मोर सीट्स देन 40। किसके पास 42 है? विक्की, VICKY। आंसर ऐसा क्यों? क्योंकि विक्की के पास 42 है। हु हैज़
टू मोर सीड्स देन 40, मतलब 40 + 2 = 42 होता है। तो ये स्टोरी सेम्स हो गया। डॉट गेम, गेस द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सर्कल। नाउ काउंट एंड चेक योर गेस। प्ले दिस गेम विथ योर फ्रेंड्स बाई मेकिंग सर्कल्स, सो हु कैन प्ले द बेस्ट। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे रफली 12 होंगे, 12 तो नहीं होंगे, 15 होंगे, 15 मार के चलते मेरा गेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। शिट, एक से गलत हो गया, मैंने गेस किया था 15। और आंसर निकला 16। तो मेरा गेस एक से रॉन्ग हो गया। अब आप लोग गेस करो, मैं ठीक से बनाता हूँ, आप लोग गेस करो इसमें कितने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे गेस के अकॉर्डिंग इसमें 32 है। जो जो टच करके है उसको काउंट कर लेना, इसको भी काउंट कर लेना, इसको भी काउंट कर लेना। तो लाइक मेरे गेस के अकॉर्डिंग इसमें 32 सीट्स है। आप लोग टाइप करके देख लो, एक्चुअली काउंट करके स्क्रीन पे, कि भाई कितने हैं, अगर हम लोग साथ में खेल ही रहे गेम तो। ठीक है, स्क्रीन पे ऊपर रख दिया है, देख लेना कितने हैं। धोनी सेंचुरी, वन डे मैच बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी। गुवाहाटी में इंडिया साउथ अफ्रीका हुआ था, पता नहीं। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। धोनी इज ऑन 96, ओनली वन बॉल लेफ्ट। विल ही कंप्लीट हिज सेंचुरी डैश एंड लुक एट दिस मार्वेलस सिक्स। 96 + 6 डेफिनेटली सेंचुरी हो गया। ही हैज कंप्लीटेड हिज सेंचुरी ? धोनी स्कोर्स 96 + 6, तो टोटल हो गया 112 हो गया, 112 रन्स। प्लेयर 193 रन्स नीड टू कंप्लीट सेंचुरी 7। मतलब मैं कर क्या रहा हूँ ये सोच लो, यहाँ पे एक 100 बोल दिया। अब 100 - 93 हो गया 7, 100 - 97 हो गया 3, 100 - 89 हो गया 11, 100 - 99 हो गया 1। इजी इनफ। आगे, नंबर्स आर अंडरस्टूड नॉट ओनली बाई रिसाइटिंग दैम इन ऑर्डर बट मेकिंग एसोसिएशंस इन फेमिलियर कंटेक्सट। हियर द आइडिया ऑफ ए सेंचुरी ऑफ रन्स इज यूज। टीचर कुड एड अनदर एग्जाम्पल, जैसे सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, फ्रॉम चिल्ड्रंस लाइफ टू थिंक अबाउट 3-digit नंबर। ओके, वैसा नहीं कर सकते। एनकरेज देम टू स्पीक अबाउट अ लार्ज नंबर्स इवन इफ दे कैनॉट रीड और राइट देम। जैसे 999, I can write it, but like encourage them to speak. How about 9 million? After 99, we go on like this. 99, 100, 101, 102. Upar likha hai, see you tomorrow. Oh, ye sab kabra hai na? Ya fir bas marking hai, pata nahi. नंबर्स इन फिगर्स। ओ देखो, क्लास वन में हमने नंबरिंग सीखी 1 से लेके 100 तक, लाइक इन जनरल। क्लास टू में उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब वगैरह सीखा। अब हम 100 के ऊपर के नंबर्स कैसे कैसे अनाउंस करते, कैसे प्रनाउंस करते हैं, उसके बारे में शायद सीख रहे हैं। तो नंबर इन फिगर्स 99, तो उसको 99, NINTY NINE। नंबर्स इन फिगर्स 195। ओके, तो यहाँ पे सीरीज में आ रहे हैं 99, 100, 101। तो यहाँ पे क्यों ऐसा करता है पेन, प्लीज़ मेरी बात सुन लिया कर। 1,
102 TWO, फिर यहाँ पे होगा 105, ये होगा 107 SEVEN, ये होगा 108 109 109 110 111 112 हो गया 112। ये वाला नंबर हमने ऊपर भी यूज़ किया है सेंचुरी के बाद उसने जब। अब मुझे डाउट है, मैंने रॉन्ग लिखा है, सेंचुरी वाले धोनी वाले इसमें मैंने गलत लिखा है शायद। फिल इन द ब्लैंक्स, धोनी स्कोर्ड 96, 96 प्लस 4 करता तो 96। तो यहाँ पे देखो मैंने ये वाली गलती की है, मैं रबर लेके रब कर देता हूँ उसको, आ जा रबर। कैसे लेते हैं रबर, ओके वापस पेन नहीं लेके तो स्ट्राइक कर देंगे। ये आंसर रॉन्ग है, आंसर होगा 102, ठीक है 102 आंसर है। मैंने गलती से 112 लिख दिया, तो जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे गालियाँ दे रहे हैं ऑलरेडी, आई हैव रेक्टिफाइड इट। आगे तो हम 112 यहाँ पे पहली बार सीख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे 197 198 फिर 109 199 200 201 202 इसको वही लिखेंगे 202 203 आजकल हम लोग बोल रहे हैं लेकिन लाइक 203 है वो, तो वैसे ही 204 ये 100 इसको प्रोनाउंस नहीं करते, मैं बस ज़ीरो लिख रहा हूँ सर, वो 204 है, ये 205 है, ये 206 है, 206 और 206, गेस हाउ मैनी मोर मेक अ ट्रिपल सेंचुरी, 94 विल मेक अ ट्रिपल सेंचुरी, मतलब 300 टॉप 10 स्कोर्स इन क्रिकेट वर्ल्ड कप, ए पी जे 128, ए एस 100, सी के टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, मुझे इन सब के नाम नहीं पता। सी के जस्ट हिज सेंचुरी बाय हाउ मेनी रन डिड ही नीड्स टू मेक अ सेंचुरी, ये जो सी के है ओनली वन रन, अगर उसको एक रन मिल जाता तो वो सेंचुरी बना लेता। नहीं डैश एंड डैश स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल रन्स, ऑलमोस्ट इक्वल, वन ट्वेंटी एट हंड्रेड, ओके ए एस एंड सी के स्कोर्ड ऑलमोस्ट इक्वल, 100 और 99 एक का डिफरेंस है,
So these two people scored almost equal runs. तो सी के एंड डी एम, नहीं क्यों ऐसी बकवास गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, ये दोनों पेन काम कर ले। ए एस एंड सी के, ए एस सी के डैश कोड अ कंप्लीट सेंचुरी, नो लॉस नो मोर। ए एस, ए एस स्कोर्ड अ कंप्लीट सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 रन्स। मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर 178 बाय एमडी, आर 178। डैश एंड डैश हैव डिफरेंट ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन, सेम इसमें ए एस और सी के हैव डिफरेंस ऑफ जस्ट वन रन बिटवीन दें। डैश स्कोर टू मोर देन वन एंड हाफ सेंचुरी, तो वन एंड हाफ सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, हाफ सेंचुरी मतलब 50, तो 150 हो गया। और टू रन्स मोर यानी 152, यही आंसर है। के एस पी, और मैं कहीं नीचे गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना और टाइम ऑफ गलती भी लिख देना। काउंटिंग इन टेंस, टेंस 110, 310 और 10, 20, 30। वाओ, हाउ डिड यू डू दैट? आई डिड गुड। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इजी, जस्ट कीप इन टेंस, 100, फिनिश। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उस तरह से मैं बस बोल दूंगा लिखने के जगह अभी। दैट इज 110, 120, 130, जस्ट 10-10 छोड़ के 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 320, 330, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 6, 7, 10, 720, 730, 740, 750, 760, 780, 790, 800। काउंटिंग इन 50s, 200 to 50, तो यहाँ पे आएगा 300, 350, 400, 450, 550, 600, 650, 700, 750, 800. How far can you go like this? Infinite. What is the best guess number you can call out? अगर हम लोग 100 तक ही जा रहे हैं तो 999, उसके बाद थाउजेंड्स में आते हैं, वो अब तक कॉन्सेप्ट बताया नहीं है इन बच्चों को। कलर द नंबर्स, वी फाइंड द नंबर्स इन अबाउट चार्ट एंड कलर देम। ग्रीन 140, अब बॉस मेरे पास ग्रीन है क्या? और 140 का ग्रीन करना है, फिर और क्या ग्रीन करना है, टू नॉट टू, 261, 202 ग्रीन हो जाएगा, 261 ग्रीन हो जाएगा। एट हंड्रेड ग्रीन हो जाएगा, कहाँ गया 800। फिर 30 + 70 + 4, 374, ये ग्रीन हो जाएगा।
656. हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस फाइव 155. ओके, इतने लोग ये कलर के हो गए. अब रेड, जिस कलर में हम ऑलरेडी थे. अरे यार, 54. क्यों ऐसा कर रहा है? 54 रेड हो जाएगा. 155 ग्रीन था, वो हट गया क्या? ग्रीन है अभी भी. 60 और 195. वेर इज 60 और 195 का 195. फाइव फिफ्टी फाइव और 642. 642 मिल गया. 555, 555 टिक गया. 179 और 810. 179 और 810. अब आ गई येलो की बारी. कलर लेंगे हम येलो. चुन लिया भाई कलर. फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव. फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव 16 मिल गया. 445 कहाँ मिलेगा? ये क्या, 16 हो गया. 159 मिल गया. 685 मिल गया. 699 मिल गया. 74 ये भी मिल गया. आखिरी नंबर तंबुरा के लिए है 19. ओके, 9 प्लस 8 कितना होगा? 9 2 18 17 171 मिल गया. और हमने तंबोला कंप्लीट कर लिया है सारे नंबर और कलर्स. अगर मैं कलर करता तो अलग बात होती, तो मैंने सिर्फ सर्कल्स किए. जंपिंग एनिमल्स हमने स्नेक एंड लैडर्स पहले खेला था. अब गबरू, बनी और तरू जंप कर रहे हैं नंबर्स 89 से लेके 110 तक. गबरू, बनी एंड तरू आर जंपिंग ऑल द वे. गबरू जंप्स एवरी 7th स्क्वायर, बनी ऑन एवरी 5th स्क्वायर एंड तरू ऑन एवरी 4th स्क्वायर. गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम 90, बनी स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 99, तरू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम 106. ठीक है, ही
ऑल दिस जंपिंग इज टिकलिंग मी. गबरू एंड बनी बोथ जंप ऑन स्क्वायर्स 104 एंड डैश एंड डैश. ओ अभी हमको हमको वापस कलर कोडिंग अपन करते हैं ताकि हमको याद रहे. गबरू को रेड दे देते हैं. तो गबरू 7 स्टेप्स जाता है. तो गबरू गया 97 में, फिर 7 स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 7. तो 104 में भी गया, फिर 1 2 3 4 5 6. सेवन मतलब यहाँ पे आएगा 111 में, फिर 1 2 3 4 5 6 118 में. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 125. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 132. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 2 3 4 5 6 3 4. ठीक है, तो जो जो मैंने रेड सर्कल्स किए वो है गबरू के जंप्स. अब हम कोई और कलर लेंगे. हम लेते फेवरेट ग्रीन. ठीक है, तो ग्रीन हम देंगे बनी को. तो बनी कहाँ से शुरू कर रहा है? 99 से शुरू कर रहा है ना. बनी इज स्टार्टिंग विथ 99. और गबरू ने 90 से शुरू किया था. और बनी कितना स्किप कर रहा है? बनी ऑन एवरी फिफ्थ स्क्वायर. तो 104, 109, 114, 119, 124, 129, 134, 139, 144, 149. ये सारे ग्रीन सर्कल्स हैं बनी के. अब हम लेंगे पर्पल. मेरे को उतना पसंद नहीं है तो ब्लू ले लेते हैं. ब्लू हम लोग दे देंगे तरु को. तो तरु शुरू कर रहा है अपनी जंप 106 से, और वो एवरी फोर्थ स्क्वायर जंप करता है. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. वन टू थ्री फोर 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 फोर. वन टू थ्री फोर थ्री फोर
गई। ओके एटलीस्ट कलर कोडिंग हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। गबरुन बनी बोथ जंप्स ऑन स्क्वायर 104 एंड डैश। तो हम लोग देख रहे हैं गबरू और बनी दोनों के कलर देख लेते हैं। गबरू और बनी रेड और ग्रीन कहाँ कहाँ मैच कर रहा है हमको देखना है। 109 में रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन 139 में। सॉरी 109 में नहीं था, रेड और ग्रीन 104 में था एंड 139। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 139 इज द आंसर। फाइंड आउट तरु एंड बनी जंप्स ऑन स्क्वायर डैश कमा डैश कमा डैश एंड डैश। तरु एंड बनी, तरु ये ब्लू और बनी ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन। पहला है 109, तो हम लिख देते हैं, हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं है। 109 फिर 149 ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू 129 कुछ मिस हो गया क्या? देखो 109 पे ग्रीन और ब्लू आए, फिर ग्रीन और ब्लू साथ में कब आए आगे? 129 पे आए, 129 हमने लिख दिया। वन थर्टी नाइन भी लिख दिया और नहीं लिखा एंड 139। जिसको प्यार से सीरीज में लिखना है वो लिखे 109 फिर 129 फिर 139 फिर 149। तरु एंड बनी के जंप्स, इज देयर एनी स्क्वायर वेयर ऑल थ्री जंप्ड? मेरे को तो नहीं लगता अनलेस मैंने कोई मिस्टेक किया। अगर मैंने कोई मिस्टेक की हो तो पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा बॉस। मेरे हिसाब से नहीं, पर जब क्वेश्चन दिया है तो डेफिनेटली हाँ होगा और मैंने डेफिनेटली कोई मिस्टेक की होगी। मुझे इसे वापस नहीं करना। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो। मेरे हिसाब से नहीं, ऑल द थ्री डिड नॉट जंप ऑन एनी थिंग टुगेदर। रेड वाला क्या कर रहा है 139 के बाद? 2 3 4 5 6 गेस हु विल फिनिश इन लीस्ट जंप। लीस्ट नंबर ऑफ जंप हम बिना पढ़े देख सकते हैं कि गबरू विल फिनिश क्योंकि वो 7-7 स्क्वायर्स जंप कर रहा है, या फिर इसका आप नंबर ऑफ गबरू के सर्कल्स का कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो। तो आंसर रहेगा गबरू। अब पूछा है इन हाउ मेनी जंप्स, अब तो गिनना ही पड़ेगा। यहाँ से शुरू कर रहा है तो इस वाले जंप को तो हम नहीं गिनेंगे। नंबर ऑफ रेड सर्कल्स गिनना है हमको। 1 2
फाइव सिक्स सेवन एट। इन एट स्टेप्स, एट स्टेप्स में ऑलमोस्ट पहुंच गया, नाइन्थ नाइन्थ स्टेप में मैं पहुंच जाएगा, तो नाइन स्टेप्स, इन नाइन स्टेप विल फिनिश। पर लाइक 145 पे वो ख़त्म कर ले तो ही डोंट एक्चुअली फिनिश द गेम। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था क्या, फाइनल में किस नंबर पे पहुंचते हैं? नहीं बताया। तो मेरे हिसाब से तो आंसर गबरू है, लेकिन अगर अगर लास्ट 149 तक पहुंचने का टारगेट है तो आंसर क्या होगा? आंसर बन ही होगा आई थिंक, क्योंकि वो पांच पांच स्टेप कर रहा है, तरु से एक एक ज़्यादा। पर आई होप मेरा आंसर सही है, और नहीं तो कमेंट में लिख दो कि क्या सही आंसर है, और उसका आंसर भी कोई वीडियो बना के डाल दो बस। क्लास जंप, जंप टू स्टेप फॉरवर्ड, लॉन्ग वे टू गो। ओ, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन सही है, 104, 108, 110, फिर 112, फिर 114, 116। जंप टू स्टेप्स बैकवर्ड टू 56 टू 54 टू 52 और फिर 250। जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड, 120, 130, 140, 150, 160, 170. 10 स्टेप बैकवर्ड, 170, 160, 150, 140. कंटिन्यू द पैटर्न। वाह, अभी कितने स्टेप्स भी नहीं होता है, 50, 70, 580, 690, 610, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980. 209, 207, 205, दो दो स्टेप नीचे जा रहा है, 203, 201, 199, 197, 401, 402, 403, 404, 405, actually 406, 407. और इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज खत्म। लेजी क्रेजी शॉप, दिस इज द जंगल शॉप, लेजी क्रेजी गिव्स ऑन थिंग्स ओनली इन पैकेट्स ऑफ टेन्स, हंड्रेड एंड लूज आइटम्स।
फाइंड आउट हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ टेंस हंड्रेड एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक, फिल इन द ब्लैंक्स. उसको 143 चाहिए तो 100 पैकेट्स ऑफ टेन फोर और लूज आइटम्स थ्री. तो पैकेट्स ऑफ 100 हाथी, 200 के पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ 10 वन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं. तो नंबर्स लिख रहा हूँ मैं इंस्टेड ऑफ ड्राइंग पैकेट्स. आप पैकेट्स ड्रॉ कर सकते हो. 2 1, यहाँ पे 0, फिर पैकेट्स ऑफ 100, 2 4 2, 5 पैकेट्स, पैकेट्स ऑफ 10 5, और लूज आइटम 2. एक्चुअली ड्रॉ करना ज़्यादा इजी रहेगा, मतलब जस्ट टू रिलेट टू एवरीवन. लेजी केज, लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ क्रेजी वे ऑफ टेकिंग मनी. ही टेक्स ओनली 100 नोट्स, 10 नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन. तो 420 के लिए 400, फिर एक, फोर इंटू हंड्रेड, सबसे पहले यहाँ पे 100 का ड्रा करते, इसके नीचे हम लोग सारे 100 के लिखेंगे, इसके नीचे सारे हम लोग टेंस के लिखेंगे, कितने टेंस के नोट्स हैं और कितने 1 रुपी कॉइन के नोट्स हैं. तो कलर चेंज, एलिफेंट लेता है 400, 10 का 2 नोट्स और 1 का 0 नोट्स, 0 कॉइन्स. 143 के लिए 100 का नोट, 4 10 का नोट्स और 3 कॉइन्स. 200 के नोट्स, 4 10 के नोट्स और 2 कॉइन्स. 55 में 0 100 के नोट्स, 10 के नोट्स होंगे 5 और कॉइन्स होंगे 5. Who am I? Match the number. I come between 40 and 50 and there is 5 in my name. 45. Okay. I have 9 in my name and I am very close to 90. 89. If you hit a 4 after me, you score a century. 96. I am equal to 10 notes of 10. 100. Story samajh rahe. I am a century plus half century. 150. I am exactly in between 77 and 97. Saiklota ek hi answer bacha hai. Wo hai 87. In this chapter, several stories and exercises are used to help children understand the decimal number system. The term place value, which often confuses children, has not been used at all. Teachers could also find about the other locally used number systems, if any, especially while working in tribal communities. Oh, that would be difficult. How many are these? 240. 240 rupees. 1, 2, 3, 30. 319 sticks. ओहो, ये जो क्यूब्स है, यही क्यूब्स है. हमने बहुत सारा नंबर्स, टेन सिस्टम वगैरह देखा. इतना सारा कलरफुल पिक्चर नहीं था शायद हमारे टाइम पे इन क्यूब्स को ही. ये 100 का क्यूब, 10 का क्यूब वगैरह. आई रिमेंबर दीज क्यूब्स. तो 100 प्लस 100, 200 हो गए. तो
टेन और टू, 212। फिर मोती, ये कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ओके तो ये 100 होगा, 130, 138। वापस 220, सॉरी 320, ऊपर 240 था और ये 320 है। हुआ मैं, देर इज नो बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट यू कैन कैनॉट फाइंड, एड मी टू द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड। हु एम आई, देर इज नो बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर यू कैनॉट फाइंड, एड मी टू गेट द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड। 100, पता नहीं, हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते क्या इसको? नहीं, देर इज नो बिगेस्ट नंबर, द बिगेस्ट यू कैन नॉट फाइंड। चलो गूगल से पूछते हैं, गूगल डू यू नो इट, देर इज नो बिगेस्ट नंबर। There is no biggest number. Hence, I am one. Counting number starts from one. Hence, to count, keep one in mind. Hence, I am one. Oh, ऐसे riddles भी देते हैं। तो इसका आंसर वन है दोस्तों, जो मुझे नहीं पता था, मैंने गूगल का सहारा लिया। There is no biggest number. ठीक है, ये तो बस स्टेटमेंट है। द बिगेस्ट यू कैनॉट फाइंड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। एड मी टू द नेक्स्ट वन टू काउंट, कीप मी इन माइंड। ठीक है, काउंट करने के लिए एक ही याद रखना जरूरी है। गुड आंसर, गुड आंसर। आगे, आई एम चंदा मामा, चंदा मामा प्यारे प्यारे। ठीक है, आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स which twinkle in the sky, तारे। Yes, you are right, my friends are stars. चंदा कहाँ होता है, तारे कितने दूर होते हैं, तेरे फ्रेंड्स कहाँ से हो गए बॉस, खुद की औकात देख। One day all of them came to my home. Possible ही नहीं है। I started counting to see how many friends had come, but my friends were too many. So to remember their numbers, I did something like this. Hello everybody. Moon Mama counts his starry friends. I counted one star and kept one. अच्छा, इसलिए वो ऊपर की वाले का आंसर वन था। Card in my pocket. One for one star and two for two star. For how many stars? 1 2 3 4 5 5. आंसर 5 है। When I had 10, अरे यार मत करते जैसा। When I had 10 one cards, I changed it with yellow 10. ठीक है, but my friends kept coming, so I had to count more stars. My pockets were getting full, so when I had 10 cards like 10, I changed the
100 कार्ड, मतलब ऐसे 10 हो गए तो 10, बट आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन माई पॉकेट, इट गेट गेटिंग फुल, जस्ट सी हाउ मेनी कार्ड्स आई हैव। ऑल राइट एवरीबडी इन अ लाइन विल प्ले अ गेम, ये पी सब लोग हैप्पी हो गए। विच कार्ड्स विल आई हैव इन माई पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू 19, तो 10 प्लस 111, 21 से तो 10 का वन बॉक्स, 10 का वन बॉक्स, फिर 1, 90 के लिए 10, 10, ऐसे 9। हम क्या करते, 1 को खुले में रखते, सर्कलिंग करना इजी होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो भी सिंगल सिंगल है वो 1, 1 है ट्राइंगल्स, और ये स्क्वायर्स है। तो 201 के लिए 200 के और एक कॉइन, 260 के लिए ये 100 वाला लेमर कॉइन, फिर ये 100 वाला लेमर कॉइन, फिर 6 10 वाले कॉइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर 1 वाला एक भी कॉइन नहीं। 300 के लिए 100 के 3 कॉइन्स, 306 के लिए 100 के 3, और फिर 6 1 वाले कॉइन, 344, 1, 2, 3 ये वाले कॉइन, 4 सर्कल्स और 4 लाइन, 350, 300 वाले कॉइन्स, फिर 5 सर्कल वाले कॉइन्स, 400 के लिए बस 100 वाले 4। When I had 10 cards in my pocket, I knew I had counted 20 stars. Now you tell me the number of stars counted in each case. Write the answer in the blank space. Ye hai 130. Three, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 603, 1, 2, 3, 3, 1, क्योंकि ये 10 है, 2, 3, 4, 5, 6, 316, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 1000. हंड्रेड बार किया तो 1000, ये वाला 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 31, नाइस न्यू पैटर्न्स। बाप रे, गेस हाउ मेनी स्टार फ्रेंड्स आई हैव, 10 का ये सर्कल है, 10 का ये सर्कल है, 20, और शायद ये 100 का सर्कल है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 है, 10 प्लस गोले में लिखना है क्या, ये 18 है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
black stars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, तो बस 10 को रिप्रिंट कर रहे हैं, तो 10, 20 और 18, 38. 38 इन टोटल अगर इनको गिने तो, लाइक इस पिक्चर के अकॉर्डिंग. पर इन सबको अगर गिने तो नहीं पता कितना है बस. या फिर इन सबको ऐड करना पड़ेगा. 20+1, 30+12. दिमाग कंज्यूम कर देने वाला ये चैप्टर था. मुझे इस चैप्टर का रिव्यू बताने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है. हमने इस पे एक घंटा स्पेंड किया, जबकि मुझे पोमोडोरो टाइमर लगा देना चाहिए था, जो हमको आधे घंटे में वार्न कर दे कि हाँ भाई आधा घंटा हो गया है अब, और तुम्हारा दिमाग उस पर अप्लाई नहीं हो सकता है. तो ये था आज का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने पैटर्न्स, काउंटिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या क्या नहीं सीखा. और बोला था फन विथ नंबर्स, पता नहीं कौन सा फन नहीं है, पर बहुत बड़ा वीडियो हो गया. आई थिंक 1 या 1.5 GB का वीडियो हो गया होगा ये. 56 मिनट्स हो गए. तो बस बकचोदी करने के लिए मेरे पास एनर्जी भी नहीं है. मैं कल मिलता हूँ आपको होपफुली और एनर्जी के साथ, बाकी डाटा कंज्यूम करने के लिए जो होगा मैथमेटिक्स पे, और पढ़ेंगे क्लास 3 में और क्या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम लोग सीखने वाले. 16-16 पेजेस के एक एक चैप्टर दे रहे हैं, और वो भी कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. मतलब मेरे लिए नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, लेकिन बच्चे के लिए जो क्लास 3 में है उसके लिए तो हाँ. चलो बाय, कल मिलते हैं.